हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फसल मेनिया बितंकुर में। एसबीआई पीओ प्री के दो दिन की टोटल 8 शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। अभी एक दिन का एग्जाम बाकी है, वो है 6 नवंबर। जब पहले दिन एसबीआई पीओ प्री का एग्जाम हुआ, लेवल देखकर लगा कि ठीक है, लेवल डिसेंट अटेम्प्ट भी स्टूडेंट्स के देखने को मिले थे, लेकिन एक उम्मीद ये भी थी कि जैसे ही पेपर आगे बढ़ेगा वो अपना रंग जरूर दिखाएगा। और जैसे ही एसबीआई पीओ प्री ने दूसरे दिन एंट्री मारी, उसने अपना रंग दिखा दिया और बता दिया कि हमको हल्के में मत लेना, हम एसबीआई पीओ हैं। मतलब कि क्वांट के साथ साथ रीजनिंग और इंग्लिश ने भी भरपूर योगदान दिया है। और आज दूसरे दिन अटेम्प्ट में भी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आज के लेवल को देखने के बाद ये 100% पक्का हो गया कि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो जिनके भी अटेम्प्ट कम हुए हैं ना, उदास नहीं होना है कि और स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट बना कर आए थे, हमारे कम अटेम्प्ट हुए हैं। अगर आपकी शिफ्ट में लेवल अप आया है तो वहां आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा 100% मिलेगा। और आप पिछले कुछ रिजल्ट्स भी देखोगे तो वहां भी नॉर्मलाइजेशन फैक्टर अच्छा खासा देखने को मिला है। और आज देखा जाए तो काफी सारे स्टूडेंट्स रीजनिंग में भी फंसे हैं, खासकर पजल में। और अगर क्वांट की बात करें तो काफी ज्यादा टाइम भी लग रहा था क्वेश्चंस बनाने में, और क्वेश्चंस ढूंढने पड़ रहे थे कि कौन सा क्वेश्चन जल्दी बनेगा। लेकिन जिनके 14, 15, 16 इस तरह के भी अटेम्प्ट है ना क्वांट में, ये बेकार अटेम्प्ट नहीं है जिस तरह का लेवल क्वांट का देखने को मिला है। अगर हम एसबीआई पीओ प्री की कट ऑफ की बात करें तो पिछले 4 या 5 सालों में लो कट ऑफ तो देखने को मिली नहीं है, तो इस बार भी वही 58-60 की रेंज में कट ऑफ देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो जिनका भी एग्जाम हो गया है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपका किस दिन और किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था और आपके टोटल अटेम्प्ट कितने रहे हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।